हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम इकराम बेग, मैं आपको क्लास 10 की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और हमारे चैप्टर नंबर चल रहा है दो। चैप्टर नंबर दो की एक्सरसाइज नंबर 2.1 चल रही है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर चार के पहले वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चार जो है उसमें आपको क्या निकालना है, SCF, और वो भी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा या उसके प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो SCF निकालने की एक भाग विधि भी होती है, ठीक है। तो हम भाग विधि से ना देकर हम किससे देंगे, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। तो इसमें SCF निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य लेते हैं और छोटी संख्या क्या होती है उसको हम भाजक के रूप में काम में लेते हैं। और जब भी हमारे शेषफल शून्य आ जाएगा, ठीक है, हम भाग देते रहेंगे, शेषफल आएगा तो आगे भाग देंगे, ठीक है। और फिर जब शेषफल आपके शून्य आ जाएगा तो उसमें जो भाजक रहेगा, अंतिम भाजक जो होगा वही इसका क्या होगा, SCF होगा या MRSA होगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या को हम क्या लेंगे, भाज्य, और इसको भाजक और गुणा करके भागफल से शेषफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो इसका मेथड क्या होता है, 210 को बाहर लिखते हैं, ठीक है। 55 का भाग देंगे, 210 में कितनी बार जाएगा, देखो 55, 5 का देखो, 1 5 2 5 10, 3 4 5 20, एक बार 4 से करके देख लो और एक बार 3 से गुणा करके देख लो। 4 5 20 की 0 ऐसे लगे, 2 20 2 22 अधिक हो जाते हैं तो हम 3 बार देंगे, कितनी बार, 3 बार, कितना आएगा, 5 5 15, मेरे को 5 ऐसे लगाए, 15 और 1 16, 165, ठीक है। तो 165 आया 3 बार में, तो इसको घटा के देख लो शेषफल क्या आएगा, 10 में से 5 के तो 5 0, 10 में से 6 के तो 4 45, कितना आया, 45। ठीक है, शेषफल कितना आया, 45। अब देखो शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 55 में भाग देंगे 45 का, 55 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 45 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार, एक बार। तो घटा के देखो कितना बचेगा शेषफल, देखो 55 में से 45 गए तो कितने बचे, 10, ठीक है। शेषफल अभी 0 नहीं आया तो वापस 45 में भाग देंगे, किसका, 10 का, कितनी बार जाएगा, 4 5 4 बार, कितनी बार, 4 10 4 40, शेषफल कितने बचेंगे, 5, ठीक है। अब 10 में भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 2 10, ठीक है, शेषफल क्या आएगा, 0। अब देखो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0, जहाँ भी शेषफल 0 आ जाए तो अंतिम भाजक जो होगा वही इसका क्या होगा, MRSA होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ शेषफल बराबर 0 प्राप्त हुआ, अंतिम भाजक ये है ना, अंतिम भाजक बराबर 5, अतः SCF कितना आएगा, 5। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, देखो मैंने क्या बोला है आपको, बड़ी संख्या जो रहेगी उसको भाज्य लेना है, छोटी संख्या जो रहेगी उसको भाजक लेना है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या कौन सी है, 420 लिख दो बराबर में आगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख देना, यूक्लिड विभाजन विधि से या प्रमेय से द्वारा, ठीक है। 420 में भाग देंगे किसका, 130 का, कितनी बार जाएगा, 1 13 13 2 13 26 3 13 39, तो 3 बार जाएगा, कितनी बार, 3 बार, 4 में ज़्यादा हो जाता है, 3 13 39, ठीक है। 420 में से घटा के देखो कितना शेषफल आएगा, 0, 12 में से 9 गए तो 9 और 3 3 बार, 30 बचेंगे, सॉरी, ठीक है। अब शेषफल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 30 का भाग देंगे किसमें, 130 में, 130 हमारे पास भाज्य हो जाएगा, भाजक क्या होगा, 30, कितनी बार जाएगा, 1 3 2 3 6 3 9 4 12 और 5 15, तो
तो चार बार जाएगा, कितनी बार, चार बार, चार दिया 12 मतलब 120, कितने बचे 10। ठीक है, अब भी अभी भी शेषफल क्या नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा, तो 30 में भाग देंगे 10 का, 30 में भाग देंगे 10 का, कितनी बार जाएगा, तीन बार। ठीक है, दो तो कितना शेषफल आया, जीरो, 30 में 30 गए तो जीरो, तो हमारे पास अंतिम क्या आया, 10। तो SCF क्या होगा, ये 10। ठीक है, यहाँ शेषफल शून्य या जीरो प्राप्त हुआ, शून्य लिख दो हिंदी में, शून्य प्राप्त हुआ, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक क्या है, बराबर 10। SCF क्या होगा इसका, 10। इस तरीके से इसका आंसर होगा आपके। ठीक है, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैंने क्या बोला है आपको, बड़ी संख्या को क्या लेना है आपको, भाज्य, और छोटी वाली को भाज्य भाजक, तो लिखो यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन परमेश परमेयिका द्वारा। ठीक है, देखो 243 में भाग देंगे 75 का, कितनी बार जाएगा, 7 का पहाड़ा बोल रहे एक बार, है ना, 107, 214, 321, 321, एक बार तीन बार देखो, देखे चार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तीन बार है ना, 5 या 15, 5 या 15 5, 6 से लेगा 7 या 21, अरे 22 है ना, और 4, 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाते हैं तो हम तीन बार देंगे, कितनी बार, तीन बार, घटा के देखो 225 को इसमें से कितना बचेगा, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, 3 में से 2 गया तो 1 बचे, 18, कितने बचे शेषफल, 18। ठीक है, अभी शेषफल जीरो नहीं आया, तो 75 में भाग देंगे 18 का, 75 में भाग देंगे 18 का, कितनी बार जाएगा, 1 18 18 2 18 36 3 18 54 4 18 72, कितने बचे, 3। ठीक है, अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया, तो आगे भाग देंगे 18 में भाग देंगे किसका, 3 का, 3 का, कितनी बार जाएगा, 6 या 18, शेषफल क्या आया, 0। ठीक है, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, हुआ अंतिम भाजक कितना है, 3, तो SCF क्या होगा, 3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 135 और 225 का SCF हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है ये, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, बाहर, यहाँ पहले लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, बड़ी संख्या बाहर, छोटी संख्या यहाँ पे भाजक के रूप में। ठीक है, अब 135 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, देखो 13 दूनी कितना होता है, 26 हो जाते हैं, तो हम दो बार नहीं देंगे, कितनी बार देंगे, एक बार। शेषफल क्या प्राप्त होगा, इसमें इसको घटा लो 225 में 135 को, तो कितने बचेंगे, 0 तो यहाँ पे, और 12 में से 3 गए तो 90 है ना, कितना आएगा, 90। ठीक है, अब शेषफल 0 नहीं आया, तो आगे और देंगे, 135 हमारे नया भाज्य होगा और 90 भाजक होगा, कितनी बार देगा, देंगे एक नाम नाम 2 9 18, 2 में कितना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार देंगे, कितना बचेगा, 90 घटा के देख लो शेषफल, 5 और 4 45। ठीक है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो हम आगे भाग देंगे, इसमें नया भाज्य 90 होगा, भाजक 45 होगा, 45 दूनी 90, दो बार में। ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, तो हमारे अंतिम भाजक क्या आया, 45, तो SCF भी क्या होगा इसका, 45, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ ना, प्राप्त हुआ
ठीक है, अंतिम भाजक बराबर कितना है 45, तो एच सी एफ बराबर कितना होगा 45, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उतार लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आप, अब यहाँ पे बड़ी संख्या आ गई है 196 और 38,220, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एस सी एफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, अब क्या रहेगा इसमें, भार कौन रहेगा 38,220 है ना, 196 अंदर किससे गुणा करें कि हमारे पास शेषफल इससे कम हो जाए। ठीक है, तो देखो भाग दे देते हैं अपन 196 में, 196 का 38,220 में। ठीक है, दो एक गुन्नी गुन्नी, दो गुन्नी 38, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देंगे 196। ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है, और कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, 186 बचे और 2 नीचे आएंगे। ठीक है, अब 196 का भाग देंगे 1862 में, कितनी बार जाएगा, 10 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार जाएगा, कितनी बार, 9 बार। 196 को 9 से गुणा करके देख लो, 9 छंके 54 के 4, असल लगे 5, 9 नाम का 81 और 1 86 के 6, असल लगे 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17, 1764 बचेंगे। ठीक है, कितने बचे शेषफल, 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 15 में से 6 गए तो 9, ठीक है, इसके बाद 0 नीचे आएगा। अब लगता है शायद 5 बार जाएगा, 196 में 196 का देंगे 5 है ना, 6 × 5 = 30 की 0, असल लगे 3, 9 × 5 = 45, 46 × 47 = 48 के 8, असल लगे 4, 5 × 4 = 9, ठीक है, 980 बार 5। ठीक है, 195 कितनी बार जाएगा, 195 बार जाएगा, और शेषफल क्या आ रहा है 0, तो देखो यहाँ पे तो अपने यहीं पे ही आ गया इसका एस सी एफ। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अंतिम भाजक कौन है, 196 ही है। ठीक है, तो एस सी एफ भी क्या होगा, 196 होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्वेश्चन तो तुम्हारा इसका आएगा ही सही। ठीक है, तो आपको बहुत इजी वे में बताया मैंने, तो इसको आप छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, 255। ठीक है, तो हम वही विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक है, 867 बड़ी संख्या बार, 2, 5, 5 अंदर, ये भाजक ये भाज्य। ठीक है, अब भाग देंगे हम 867 में 255 का, तो देखो भाग देखो देखो, 1 × 5 = 25, 2 × 5 = 50, 3 × 5 = 75, तो तीन बार, एक बार तीन बार लगा के देखो, 3 से गुणा करके देखो, 25 × 5 = 15, हासिल लगा 1 और 5 × 15 = 1, 16 × 6 हासिल लगा 1, 3 × 2 = 6 = 7, 765। ठीक है, 4 में ज़्यादा हो जाता है, 765 कितने बचेंगे, 7 में से 5 गए तो 2, ठीक है, 0 102 कितने बचेंगे, 102, और कितनी बार जाएगा, ये शेषफल क्या आया 102, भागफल 3। ठीक है, अब 255 में भाग देंगे 102 का, 255 में भाग देंगे 102 का। ठीक है, 2 × 10 = 20, 2 बार ही जाएगा, कितनी बार, 2 बार, 102, तो दुगना कितना हो जाएगा, 204, माइनस करके देखो इसमें 204 को 151, कितने 51। ठीक है, 102 में भाग देंगे 51 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, शेषफल क्या आएगा इसका, 0, तो अंतिम भाजक क्या है अपने पास, 51, लिखेंगे शेषफल
बराबर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ अंतिम भाजक बराबर कितना है 51। तो एचसीएफ मसा कितना आएगा इसका 51। ठीक है, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन थे 14 पार्ट के। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, 1032 बड़ी संख्या भाग 408 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो देखो 408 का भाग दे लेते हैं अपन किसमें, 1032 में। कितनी बार देगा, 1 चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12, 3 में ज़्यादा हो जाता है तो हम कितनी बार देंगे, 2 बार। ठीक है, 8 2 16 6 ऐसे लगा 1 0 1 4 2 8। इसका शेषफल देखो कितना आ रहा है, 12 में से 6 गए तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, और 10 में से 8 गए तो 2, 216 बचेंगे। कितनी बार गया है, 2 बार। शेषफल कितना आएगा, 216। ठीक है, अब फिर भाग देंगे अपन, शेषफल 0 नहीं आया तो 216 का भाग देंगे 408 में। ठीक है, 216 का भाग देंगे हम 408 में, कितनी बार जाएगा देखो। अब 1 2 2 2 2 4, 2 में ज़्यादा हो जाता है तो हम एक बार देंगे। ठीक है, 216 माइनस कर दो इसमें से, 8 में से 6 गए तो 2। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, और 3 में से 2 गए तो 1, 192 इसका शेषफल आएगा, और एक बार भागफल है 192। ठीक है, आप 192 का देंगे किसमें, 216 में। 192 का देंगे 216 में, देखो कितनी बार जाता है, 192 और 216, 1 × 1 = 2 × 8 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार देंगे 192। ठीक है, माइनस करो, 6 में से 2 गए तो 4, 11 में से 9 गए तो 2 9 2 11, 24 इसका शेषफल आएगा। ठीक है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो हम भाग देते हैं, 192 में देंगे 24 का, कितनी बार जाता है, 24 का भाग देंगे 192 में। ठीक है, अब देखो 24 का देंगे 192 में, तो देखो गुणा करके देख लेते हैं कि 4 के पहाड़े में 2 कब आता है, 4 3 12 और 8 4 32, तो 3 बार देंगे तो 3 2 6 और 7 कम आएगी संख्या, 72 के आसपास आएगा, तो हम आगे देंगे 8 का, 8 बार 2 8 4 32, ये 2 ऐसे लगे 3 1 8 2 16 16 3 19। ठीक है, शेषफल क्या गया, 0, तो कितनी बार गया, 8 बार, और शेषफल 0। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा अपने पास, 24, कितना 24, अंतिम यहाँ लिख देंगे हम, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, अतः अंतिम भाजक बराबर 24, तो 408 व 1032 का एच सी एफ बराबर कितना होगा, 24। अभी सवाल हुआ नहीं, अभी देखो उसके बराबर हमें करना है। ठीक है, तो देखो का एच सी एफ इसके रूप में लिखते हैं ना, तो देखो 1032x माइनस 408 × 5 बराबर इन दोनों का एच सी एफ कितना है, मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ, 408 है ना, 1032 का एच सी एफ। ठीक है, 1032x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8 × 5 = 40 की 0 ऐसे लगे 4 4 4 × 20 2040। ठीक है, और इन दोनों का एच सी एफ हमारे क्या आया था, यहाँ से 24। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होएगा, 1032x बराबर 24 प्लस 2040, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 4 2 6 4 2 6 है ना, 0 और ये 2। ठीक है, 1032x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1032।
ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम काटेंगे तो दो बार कट रहा है, कितनी बार? दो बार। कितनी बार? दो बार। तो x बराबर कितना होगा? दो। x की वैल्यू कितनी आएगी? दो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर एक का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारे 2.1 ख़त्म हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो, हमारी क्लासेस कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।